बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉट एंड टेस्टी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो चिकन बिरयानी की है, जो बहुत ही चटपटी सी चिकन बिरयानी बनाएंगे। चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। मैंने सबसे पहले यहाँ पर ऑयल लिया हुआ है 1 कप। इसको मैं एक देगची में ऐड करूँगी। प्याज लिए हुए मैंने 4 to 5 मीडियम साइज़ के, और इन्हें स्लाइस कर लिए। इसको भी हम देगची में ऐड कर देते हैं और इसको सौते करूँगी मैं। पहला स्टेप इसका ये है कि हम चिकन मसाला बना रहे हैं, क्योंकि ये तह वाली बिरयानी है। ये देखें बहुत अच्छे से सौते हो रहे हैं। अब मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी, चॉप लिया हुआ है मैंने 2 टेबल स्पून। अदरक ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। मिक्स गरम मसाला ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून। इसमें आप 2 से 3 दालचीनी स्टिक्स ले लें, लौंगे ले लें, साबित काली मिर्चें ले लें। ये मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी इसमें, और जैसी खुशबू आने लगेगी गरम मसाले के फ्राई होने की, तो इसमें मैं 1/2 कप पानी ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी 3 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करूंगी 2 टीस्पून। नमक जाएगा हसबे ज़ायका, और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए फ्राई करना है। चिकन लिए 1 kg, और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। दही डाल दूंगी 1 कप। हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अब रख देंगे, आलू बुखारा डाल के। 5 to 6 मैंने आलू बुखारे लिए हैं 10 मिनट्स के लिए, क्योंकि हमारी चिकन टेंडर है। इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। इधर मैंने बॉइल्ड राइस रख दिए हैं, इसे साबित गरम मसाला डाल के थोड़ा सा, और 1 kg राइस हैं और नमक डाल के बॉइल कर रहे हैं हम इसे। कवर कर देते हैं इसे। इधर मेरे 10 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारी चिकन मसाला तैयार है तह लगाने के लिए। इसे भी मैं कवर कर देती हूँ, और स्टोव ऑफ कर दिया मैंने। अब मैं ये चावल जो है स्टेन कर लूँगी, बॉयल हो चुके हैं हमारे चावल। ये देखें स्टेन कर लिया, मैंने छलनी में निकाल लिए। अब मैं एक नई देगची में ऑयल को ड्रिजल करूँगी। बेस पे हम पहले ऑयल लगाएंगे, इससे ऑयल लगाने से चिपकते नहीं है चावल। अब मैं इसमें राइस ऐड करूँगी। बेस पे आप पूरा राइस रख दें, फैलाते जाएं इसको चम्मच की मदद से। हरी मिर्चें ली हुई है मैंने 3 से 4 चॉप्ड, कुछ हम डालेंगे इसमें। टमाटोज लिए हुए 2 से 3 चॉप मीडियम साइज़ के,
वन हैंडफुल मैंने पुदीना लिया हुआ है वो ऐड कर देंगे, फ्रेश लीव्स, चिकन मसाला ऐड कर देते हैं, 2 से 3 चम्मच आप इस तरह डाल दें। फिर चावल ऐड करेंगे हम, जैसे चावल हो जाएंगे ऐड तो हम बॉयल्ड पोटैटोस ऐड करेंगे। मैंने जर्दे के रंग में 4 से 5 आलू लिए हुए और इनको बॉईल कर लिया था जर्दे के रंग डाल के, और इस तरह कट कर लिया था एक आलू को 2 हाफ्स में। फिर मैं अगेन राइस ऐड करूँगी इसमें, जो लोग पसंद करते हैं आलू वो डाल लें और जिनको नहीं पसंद वो स्किप भी कर सकते हैं। चावल ऐड कर दिए, फिर अब मैं टमाटोज ऐड कर दूंगी। टमाटोज ऐड कर दिए, फिर पुदीना डाल दिया मैंने, हरी मिर्चें डाल दूंगी। चिकन ऐड कर देते हैं, दो से तीन चम्मच आप इसके डाल दें चिकन के। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, कितनी अच्छी तह लग गई है, बहुत ही कलरफुल सी हमारी बिरयानी रेडी होगी, बहुत टेस्टी लगती है चिकन बिरयानी। अब मैंने इस तरह राइस फैला दें, दोबारा से कवर कर दें चिकन को भी अच्छी तरह। अब मैं पोटैटोस ऐड कर दूंगी, फिर चावल रख देते हैं। फाइनली सारी चिकन हमारी इसमें आप ऐड कर देंगे। इस तरह पूरी फैला दें चावलों के ऊपर, हरी मिर्ची ऐड कर दें। चावल फैला देंगे दोबारा से, कवर कर दें इसको चिकन को अच्छी तरह से। आलू रख दें, देखें इस तरह मैंने सेट कर रही हूँ। ये हमारे स्टेप्स तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं, बस पुदीना ऐड कर देते हैं और इसको कवर कर देंगे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए। टेन मिनट्स हमारे हो गए हैं, मैं जर्दे का रंग ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून। कवर कर देते हैं इसे हम, तैयार है हमारी। इधर मैं तड़का लगा रही हूँ, इस पर मैंने 1/2 कप ऑयल लिया हुआ है, प्याज लिए हुए 2 से 3 मीडियम साइज़ के, उन्हें स्लाइस कर लिया था, ज़ीरा लिया हुआ है 1 टीस्पून। इससे बहुत ही जायका जो है इन्हेंस हो जाएगा चिकन बिरयानी का, मैं ये ऐड कर रही हूँ इसमें। बस अब हम डिश आउट कर लेंगे इसे। मज़ेदार हमारी चटपटी सी चिकन बिरयानी तैयार है और इसको हम नीचे से निकालेंगे ताकि सारी लेयर्स जो हैं वो आए इसके अंदर, डिश के अंदर।
आप इसे रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए मज़ेदार चिकन बिरयानी हमारी रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल हॉट एंड टेस्टी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूँगी मैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।